क्लास थर्ड है जो एंटी अरेथमिक ड्रग्स। इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले पढ़ेंगे अरेथमिया क्या होता है। अरेथमिया बताएंगे आपको क्या होता है। अरेथमिया एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, यानी इसमें जो आपकी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इरेगुलर हो जाता है, यानी जो आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है वह इरेगुलर हो जाता है। अब आपको बताएंगे एंटी अरेथमिक ड्रग क्या होती हैं। वह ड्रग जो अरेथमिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं उनको एंटी अरेथमिक ड्रग कहलाती हैं, यानी उनको एंटी अरेथमिक ड्रग कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और आपको आसान तरीके से हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लास है क्लास 1 का ए, इंक्रीज इफेक्टिव रिफ्लेक्टरी पीरियड, जिसमें ड्रग आते हैं क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपायरामाइड। इसका जो क्लास 1 का सेकेंड पार्ट है जिसमें आता है रीपोलराइजिंग, जिसमें टोकेनाइन, मैक्सिलेटिन, फिनाइटोन, लिडोकेन आता है। जो क्लास 1 का सी पार्ट है जिसमें आता है डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी में फर्स्ट ड्रग आती है फ्लेकेनाइड और इनकेडिनिन, डिनकेनाइड और प्रोपा फिनोन आ जाती है इसमें ड्रग जो इसका क्लास है। इसका जो एंटी अरेथमिक ड्रग का क्लास 2 है उसमें आती है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। दोस्तों आप बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें ड्रग आती है लॉल वाली, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, पिनोलॉल। इसका थर्ड क्लास है इंक्रीज रिफ्लेक्टरी पीरियड, जिसमें पहली ड्रग आ जाती है एमियोडेरॉन, ब्रिटालियम, सोटालोल आ जाती है, क्लोफिनियम आ जाती है ड्रग। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है एम्लोडिपिन, डिल्टियाजेम, बीरापामेल, निफिडिपिन ड्रग आ जाती हैं। अब दोस्तों इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पढ़ते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। दे ब्लॉक मायोकार्डियल सोडियम प्लस चैनल्स, दे स्लो डाउन हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। क्लास 1 यानी फर्स्ट का जो ए पार्ट था उसका क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी सोडियम प्लस चैनल को ओपन स्टेट में ब्लॉक करता है, यानी एक्टिवेट फॉर्म में ब्लॉक कर देता है, जो फर्स्ट ए का क्लास है। और जो क्लास 1 का बी है वह सोडियम प्लस चैनल को इनएक्टिवेट फॉर्म में ब्लॉक करते हैं, यानी जो फर्स्ट ए का क्लास है वह आपको यानी एक्टिवेट फॉर्म में ब्लॉक कर देता है, और जो फर्स्ट वी क्लास है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में ब्लॉक कर देता है। दोस्तों ये आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसका जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन है आप इसमें किसको यूज़ कर सकते हैं, यानी किस डिसीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज टू ट्रीट अरेथमिया, क्यूनिडीन इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया को यूज़ यानी ट्रीट करने के लिए क्यूनिडीन ड्रग का बहुत यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाता है हाइपर सेंसिविटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोजेनिक शॉक, सीवर हिपेटिक डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज होता है क्यूनिडीन 100 से 200 mg ओरल, प्रोकेनामाइड 0.5 से 1 ग्राम यानी पर डे ओरल इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपका जो चैप्टर 5 है जिसमें हमने आपके टॉपिक को कवर किया है एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, एंटी एंजाइनल ड्रग कौन सी होती हैं, एंटी अरेथमिक ड्रग कौन सी होती हैं, इसके हमने क्लासिफिकेशन, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसकी डेफिनेशन को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। आप बस इतना तैयार कर लें आपके जो पेपर होंगे वो इसका टॉपिक कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये 3 टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको पढ़कर आप अपने नोट्स को तैयार कर लें, और तैयार करने के लिए आप मेहनत करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।